नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। मध्य प्रदेश नगर पालिका नगर निगम अधिकारी कर्मचारी संघ के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन विधायक लखन गंगोरिया और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के हाथों कराया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कैलेंडर में शासकीय अवकाशों के साथ कई महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारियों का समावेश किया गया है। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में मध्य प्रदेश नगर पालिका नगर निगम अधिकारी कर्मचारी संघ के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन हुआ। संगठन ने विधायक लखन गंगोरिया, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, निगम अध्यक्ष रिंकू वेज, नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के हाथों कैलेंडर का विमोचन कराया। इस मौके पर वरिष्ठ कर्मचारी नेता योगेंद्र दुबे एवं राम दुबे विशेष रूप से मौजूद रहे। विमोचन हमारे आदरणीय चाचा पूर्व क्षेत्र विधायक माननीय लखन गंगोरिया जी और इस क्षेत्र के इस शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर जी के कार्यक्रमों से हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के सानिध्य में ये हुआ है। बड़ी बात ये भी है कि संगठन के समस्त पदाधिकारियों को जो नए चुने गए थे उन सभी को उनकी सदस्यता आज यहाँ से दी गई है। संगठन ने बताया कि साल भर काम आने वाली उपयोगी जानकारियों को इस कैलेंडर में समाहित किया गया है। बाल संरक्षण समिति की जिला स्तरीय बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम रोकने से संबंधित कार्य करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई बाल संरक्षण समिति की जिला स्तरीय बैठक में बच्चों से जुड़े मुद्दों पर मंथन हुआ। इस दौरान बाल भिक्षा एवं बाल श्रम रोकने के लिए सर्व दलों के गठन करने की सहमति बनी और साथ ही पुलिस थानों में भी बाल मित्रों की नियुक्ति पर चर्चा हुई। बताएं मैडम कितनों में हो गया क्या? सर सभी मैम सभी में है, चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर जो है। हमारे काउंसलर भी नहीं है मैम, हम लोगों को काउंसलर की बहुत आवश्यकता है, हमारे एक भी काउंसलर नहीं है। और इसमें बच्चों के विभिन्न जो मुद्दे हैं उन पे पॉइंट वाइज समीक्षा किया गया है ना, और जो भी पॉइंट्स थे, जो भी बच्चों के पॉइंट्स थे उनके निराकरण के निर्देश दिए गए। भिक्षावृत्ति जो बच्चे रोड पे कर रहे हैं उस पे भी सर्वे दल गठित करके उसका वहाँ से रेस्क्यू करने के कार्रवाई की जा रही है, और बच्चों के माता पिता को भी समझाइश दी जा रही है कि बच्चों को वो भिक्षावृत्ति ना कराएं। उसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि बच्चे स्कूल में दर्ज हैं लेकिन बच्चे वहाँ नियमित रूप से नहीं जाते हैं, तो उनको यही समझाइश दी जा रही है कि बच्चों को नियमित वहाँ पे भेजें। शिक्षकों के माध्यम से भी ये कार्रवाई की जा रही है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि जो लोग इसका इतना प्रचार कर रहे हैं उनको भी राम राज्य के बारे में समझना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा में भगवान श्री राम है। जबलपुर में निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शहर पहुंचे। इस बीच उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर राम मंदिर के बारे में कहा कि 22 जनवरी सभी के लिए खास दिन है और जो लोग राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का प्रचार कर रहे हैं उन्हें भी राम राज्य को समझने की ज़रूरत है। देश संविधान के हिसाब से चले क्योंकि संविधान में ही मर्यादा पुरुषोत्तम की आत्मा बसी है। वहीं अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि दोनों पार्टियों की संयुक्त बैठक में कई अहम निर्णय होंगे। दिन अच्छा है और हमें उम्मीद है कि जो लोग इतना प्रचार कर रहे हैं वो कम से कम राम राज्य क्या है, राम राज्य के बारे में सोचेंगे, और राम राज्य वही माना जाएगा जो संविधान और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, वही हमारा राम राज्य है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आज चर्चा है इंडिया गठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। मुझे भरोसा है कि सीटों का बंटवारा ठीक होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल सब मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे।
नगर प्रवास के दौरान वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद वापस रवाना हो गए। संभागायुक्त अभय वर्मा ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य एवं मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभागायुक्त ने वोटर लिस्ट से संबंधित कार्य में जुटे कर्मचारी अधिकारियों से बातचीत भी की। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य का जायजा लेने और मतदान केंद्रों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जाने वाली तैयारियों का निरीक्षण करने संभागायुक्त अभय वर्मा मतदान केंद्रों में पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। संभाग आयुक्त ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य 22 जनवरी तक किया जाना है। इसमें पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने और मृतकों के नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम लोग कुछ मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और मुख्यतः उद्देश्य यह है कि जो मतदाता सूची बनाए जा रहे हैं और नाम जोड़ने और काटने और संशोधन की कार्रवाई चल रही है वो सही सही हो, सही सही व्यक्तियों का जो भी पात्र व्यक्तियों का नाम जुड़े, पात्रों का नाम नियमानुसार कटे, ये सब पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ जेंडर रेशियो, ईपी रेशियो और भी इलेक्शन से जुड़े हुए दूसरे जो इश्यूज हैं वो नियम कायदे से हों, सही ढंग से हों, उस पर ध्यान दिया जाए। भेड़ाघाट के ग्राम मजीठा में 23 जनवरी से 31 जनवरी तक श्री राम कथा और शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जाने वाला है। आयोजक मंडल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जगत के कल्याण की भावना से आयोजित इस कार्यक्रम में कथाव्यास प्रेम भूषण जी महाराज श्री राम कथा का वाचन करेंगे। सिविक सेंटर बगलामुखी मंदिर परिवार के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भेड़ाघाट के ग्राम मजीठा में श्री राम कथा एवं शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाने वाला है। 23 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में कथाव्यास प्रेम भूषण जी महाराज कथा का वाचन करेंगे। पूरी कथा संगीतमय होगी। श्री राम कथा का आयोजन किया है और एवं उसके साथ कथा के साथ भगवती का यज्ञ भी रखा, सचंडी यज्ञ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा वहाँ भगवती के सच दुर्गा सरस्वती के पाठ होंगे और उनका हवन होगा, यज्ञ होगा। तो ये देश के लिए एक अच्छी बात है। इस समय माहौल आप जान ही रहे हैं, भगवान के राम के राममय हो रहा है, तो सबको यह है कथा के माध्यम से भगवान श्री राम के चरित्रों का, उनके भक्ति मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, वैराग्य मार्ग का सबको ज्ञान उपदेश होगा। आयोजक मंडल के मुताबिक कार्यक्रम का श्री गणेश सरस्वती घाट से 23 जनवरी को होगा। यहां से कलश यात्रा निकाली जाएगी। भोपाल गैस त्रासदी के मामले में हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान अवमानना के दोषी अधिकारियों की सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दरअसल अधिकारियों के द्वारा पेश किए गए पुनर्विचार आवेदनों पर विचार करने के बाद निर्णय सुनाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को नियत की गई है। वर्ष 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गैस पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास के संबंध में निर्देश दिए थे, लेकिन उन निर्देशों का पालन पूर्णतः नहीं हुआ। लिहाजा वर्ष 2015 में अवमानना याचिका दायर की गई और आदेश के पालन में हिलाहवाली करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की राहत चाही थी। कोर्ट मित्र नमन नागरथ ने बताया कि अधिकारियों ने अवमानना से मुक्त होने के लिए आवेदन दिया है, लिहाजा हाई कोर्ट ने आवेदकों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। प्रकरण आज हाई कोर्ट में पुनः लगा, जिसमें राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों की तरफ से पुनर्विचार का आवेदन था और जो केंद्रीय सरकार के अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी आवेदन लगाया गया कि जो सजा देने के मुद्दे पर सुनने के लिए आपने प्रकरण रखा है उससे पहले हमको सुना जाए। हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए फिलहाल कार्यवाही को स्थगित किया है जो अवमानना के संबंध में होनी थी और प्रकरण को 19 फरवरी के लिए लगाया है। 19 फरवरी को हाईकोर्ट जो पुनर्विचार की आवेदन लगे हैं उन पर विचार करेगी और अगर हाईकोर्ट संतुष्ट होती है तो उसके बाद ही किसी प्रकार की अवमानना में आगामी आदेश की कार्यवाही की जाएगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो 16 तारीख को पूर्व आदेश के अनुसार सजा पे सुनवाई होने के लिए रखा गया था मामला,
प्रकरण में इन अधिकारियों को अवमानना का दोषी पाया गया था और सजा के मुद्दे पर सुनवाई के लिए प्रकरण रखा था। उससे पहले पुनर्विचार की आवेदन आ गए जिस पर हाईकोर्ट ने विचार करते हुए फिलहाल उस कार्यवाही को रोका है। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी नियत की गई है। विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से शासन के विरुद्ध मोर्चा खोलने वाले कोटवारों ने एक बार फिर से जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार के नाम एक पत्र सौंपा है और कोटवारों की मांगों को पूरा करने पर जोर दिया है। जबलपुर कोटवार संघ ने जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपकर राज्य सरकार से मांग की है कि कोटवारों की वेतन वृद्धि की जाए और कोटवारों का वेतन समय पर नहीं मिलने की शिकायतें मिल रही हैं। पनागर सहित कुछ अन्य ग्रामों में भी पिछले 2-3 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। इसके अलावा उन्हें खाकी वर्दी और गर्म कपड़े भी प्रदान किए जाएं। प्रतिवर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार प्रतिवर्ष उन्हें 500 रुपये चाहे भूमिहीन हो चाहे भूमिधारी हो, ऐसे कोटवारों को 500 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ाने का आदेश भी प्राप्त हुआ है, जिसे माननीय कलेक्टर महोदय के आज ज्ञापन में ये विशेष बात रखना चाहते हैं कि सभी का मानदेय प्रतिवर्ष 500 रुपये बढ़ाया जाए। कि खाकी ड्रेस हुई है जिसका राशि अभी तक कोटवार के खाते में पहुँचाई नहीं गई, इस कारण हम लोग आए हैं। विधानसभा के चुनाव में हमने ड्यूटियाँ की हैं जिसका अभी परिश्रमक भी नहीं प्राप्त हुआ है। UG सिम, एक सिम के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था जिसमें सिम देंगे जिसका रिचार्ज मध्य प्रदेश शासन द्वारा भरा जाएगा हर महीने, वो भी हमें सिम दें और एंड्रॉइड मोबाइल दें जिसके तहत हम अपनी सूचनाएं ग्राम की तुरंत आप तक पहुंचा सकें। मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। नगर निगम उद्यान विभाग के कारनामे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। नया मामला विजयनगर का है जहां SBI चौक से दीनदयाल चौक तक सड़क किनारे लगे हरे भरे दरख्तों को इस बेरहमी से काटा गया है कि क्षेत्रीय लोग हैरत में हैं। विजयनगर में SBI चौक से दीनदयाल चौराहे तक सड़क के किनारे लगे पेड़ों की छंटाई की जानी थी, लेकिन नगर निगम उद्यान विभाग ने मजदूरों से उन पेड़ों की ऐसी कटाई करा दी कि देखने वाले हैरत में हैं। कई पेड़ों को तने से काट दिया गया है तो किसी पेड़ को जड़ के पास से ठूंठा कर दिया गया। देखने वाले इसे घोर लापरवाही बता रहे हैं। जिनको कटिंग छटिंग होना थी उन पौधों को काट करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के यहाँ से माल को लेकर के रवाना हो गए। ये बड़ा दुखद है और इसमें ना तो कोई अधिकारी आया और ना किसी ये बता रहा है कि ये पौधे कैसे काटे गए। अभी मैंने जब फ़ोन लगाया उद्यान विभाग, पेड़ हैं ये बड़े बड़े पेड़ हैं, आप ये देखिए पीछे से, ये सारे पेड़ों के तने काट डाले गए। मेरे पास गाड़ियों की भी मेरे पास फ़ोटो है और वीडियो भी है जिस पर लोड कर करके ये माल को ले जाया गया। ये बहुत ही दुखद है। पुराने पुराने झाड़ों को 2 मिनट में काट कूट के इन लोगों ने नाश कर दिया। MPP वाले आते रहे, पतली पतली डिगलियाँ छाँटते रहे और कचरा यहीं पड़ा रहता रहा। और ये कहाँ के आए, इन लोगों ने पूरे मोटी मोटी जुगाड़ काट दिए, कोई झाड़ नीचे से काट के भी पूरा काट काट के गाड़ी मिला के ले गए। पेड़ों से लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, छाया मिलती है, बढ़िया शुद्ध वायु मिलती है और क्या हो। और बारिश के टाइम पे आते हैं MPP वाले, हल्की हल्की डिगलियाँ काट देते हैं। वहीं नगर निगम उद्यान विभाग के कर्मचारी पूरा मामला मजदूरों के सिर मढ़कर अपना बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे पेड़ की छटाई की गई है, एक पेड़ में मोटी डाल काट दी गई है जिसमें पत्ते नहीं थे और उसके द्वारा लेबर को समझाया गया है कि पेड़ों को ना काटा जाए और आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से प्रतिवेदन बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। बहरहाल एक दिन पहले ही नगर निगम की सदन में उद्यान विभाग का भ्रष्टाचार गूंजा था, अब लापरवाही दिखाई दे रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। खराब विद्युत मीटरों की वजह से अनाप शनाप बिजली बिलों की मार झेल रहे उपभोक्ताओं को लंबे समय बाद ऐसे मीटरों से निजात मिल गई है। बिजली महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद सिटी सर्किल के 5 संभागों में मीटरों को बदलने का काम किया जा रहा है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आला अफसरों के निर्देश के बाद शहरी क्षेत्रों के खराब मीटरों को बदलने का काम शुरू किया गया है। खास बात यह है कि लंबे वक्त से विद्युत उपभोक्ता खराब मीटरों की वजह से एवरेज बिलों की मार झेल रहे थे
और बिजली मुख्यालय तक भी उपभोक्ताओं की शिकायतें पहुंची, जिसके बाद खराब मीटरों को बदले जाने की जहमत उठाई गई। नगर संभाग पश्चिम के अंतर्गत पिछले माह तक कुल 742 मीटर बंद थे, जिसमें 75 मीटर थ्री फेज के थे एवं से सिंगल फेज के मीटर थे, जिनको युद्ध स्तर पर सभी कर्मचारियों को लगाकर मीटर को बदल दिए गए हैं। हाँ, मीटर बंद थे, चल नहीं रहे थे या जल गए थे मीटर, ऐसे मीटरों को मीटर की उपलब्धता होते ही समयावधि में बदल दिया गया। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।